सो हे गाइस, न्यूज बॉय. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिगर्ड इंशान एंड कैरे मिनाटी के बारे में. आपको पता होगा ट्रिगर्ड इंशान, कैरे मिनाटी, मॉर्टल एंड स्काउट का जो एक शो है, गेमिंग एंटरटेनमेंट शो प्लेग्राउंड, जिसका आपने फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा. तो उसके जो कुछ सीक्रेट शेयर किए ट्रिगर्ड इंशान अपने लाइव स्ट्रीम में कल, और जो कैरे मिनाटी भी जो है उसी शो से रिलेटेड कुछ कहे थे. और जो बता दो, ट्रिगर्ड इंशान जब कल रिएक्ट कर रहे थे वो प्लेग्राउंड का एपिसोड, उस टाइम पे जो उनको मैसेज आया था कि मतलब मत करो ऐसा, है ना. ये सारी चीजें मैं दिखाता हूँ, कैरे मिनाटी एंड ट्रिगर्ड इंशान का एक साथ दिखा दूंगा, आप देखिए. अच्छा, मैं अब तुमको एक चीज बताता हूँ इस वाले इंटरव्यू के बारे में. ये तुमको फर्स्ट दिखाया गया, बट दिस वाज़न्ट द फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है. ये था मेरे ख्याल से 7th या 8th इंटरव्यू था ये. इस वजह से क्या हुआ, एडिटिंग में ना काफी मेरी लाइंस वगैरह जो है वो कट गई. तो इस कंटेस्टेंट के उस पे मेरी कोई बात है ही नहीं. जब मैंने देखा, आई वाज लाइक, मैंने बोली थी चीजें बट वो सारी एडिट आउट हो गई सैडली. यार एपिसोड देख के बड़ा मजा आया, मुझे अश्विनी ग्रोवर की वाइब्स आई, लॉल. उसके अंदर ना मैं बताऊं, एक तो ये ऐसे रियलिटी शो होते हैं ना, इसके अंदर अब मेरे को क्या ना, मेरे को हमेशा हर चीज़ ना मेरे को एक ना एक बार ट्राई करनी है. उसके बाद मैं करूँ ना करूँ वो मेरे ऊपर है, बट मेरे को एक बार तो ट्राई करनी है. अब इसके अंदर पता है क्या दिक्कत आती है जब ऐसे लोग आते हैं ना सामने. अब क्या है कि मैं साथ में ये भी सोच रहा होता हूँ कि भाई, मतलब ऑब्वियसली मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं बोलूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहता ना कि सामने वाला बुरा फील करे, और मतलब इतना भी बुरा फील ना करे कि इतना ही कि बिल्कुल ही ले लो उसकी, वो नहीं होना चाहिए ना. क्योंकि फिर क्या होगा भाई, तुम लोग ही बोलोगे कि भाई कैरी तो बहुत इंसान है, तो मैं वो भी नहीं चाहता. तो थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो वो भी एक अलग ही ट्रिक है. और सुन, यहाँ पर मॉर्टल प्लेग्राउंड का जो बिहाइंड द सीन्स अपलोड किया उनके चैनल पर, जहाँ पर एक फनी इंसिडेंट हो जाता है, मतलब कि डुप्लीकेट भुवन बाम दिख जाते हैं. उसके ऊपर कैरे मिनाटी के साथ साथ और भी यूट्यूबर्स रिएक्ट करते हैं, आप देखिए. सॉरी, मैंने बताया नहीं था. सो हम लोग के शूट में बीबी के वाइंस भी है, बट उनमें बहुत एटीट्यूड है तो हमसे अलग खड़े हैं वो, देखो. अबे रुक जा, वो बिजी आदमी है थोड़ा लग रहा है. पता नहीं भाई, बात करेंगे नहीं करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लेना. आपको पता होगा ट्रिगर्ड इंसान ने जो है मेरे को एंड नियॉन मैन को जो है रोस्ट किया था उनके लाइव में. वो इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ 2 दिन पहले के वीडियो में. अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके. बेसिकली यही बताए थे वो कि वो जब हंसते हुए भी कुछ बोल रहे होते हैं तो हम लोग एंग्री लगा देते हैं, ऐसे टाइप को वो कुछ बोले थे. तो उस चीज को जो नियॉन मैन रिप्लाई कर दिया उसके शॉर्ट्स वाले चैनल पर. मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाया था, आप देखिए. सो द थिंग इज कि जब भी कोई यूट्यूबर किसी चीज से इरिटेट होते हैं एंड दे रिएक्ट टू इट, तो मैं उसे एंग्री ही लिख देता हूँ. क्योंकि अगर मैं टाइटल में लिख दूंगा यूट्यूबर इरिटेटेड या फिर अनॉयड बाय दिस, तो शायद ज्यादा लोग उसे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि उतना अट्रैक्टिव नहीं है ये. सो या कभी कभी मैं ये एंग्री वाला वर्ड को एक्यूरेटली नहीं यूज करता हूँ. मैं बेसिकली इरिटेटेड या अनॉयड वर्ड को रिप्लेस कर देता हूँ विद एंग्री. बट सही में अगर कोई यूट्यूबर किसी चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा है या कुछ रेज मोमेंट हुआ है, तो आपने नोटिस किया होगा मैं टाइटल में वेरी एंग्री लिखता हूँ. चलिए अगले अपडेट के बारे में, हर्ष बेनीवाल के बारे में. तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम पर एक इफेक्ट या फिर क्या बोलते हैं उसको पता नहीं रहता है, जहाँ पर आपका फेस जो है सेलिब्रिटी के फेस से मैच किया जाता है ना. एंड कोई भी रैंडम सेलिब्रिटी जैसा दिखते हो ऐसा बता देता है वो इंस्टाग्राम फिल्टर. तो कल हर्ष बेनीवाल भी वो फिल्टर को ट्राई किए थे. एंड हर्ष बेनीवाल कौन से सेलिब्रिटी के जैसे दिखते हैं आप देखिए, उसके बाद हर्ष बेनीवाल का रिएक्शन देखना. तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब शुभ स्केलेटन के बारे में. अभी ये चैनल जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मतलब इसका रीच वगैरह बहुत खतरनाक है अभी, है ना. व्यूज वगैरह भी काफी सही आ रहा है एंड काफी सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हो रहा है बहुत कम टाइम में. ये बेसिकली रोस्ट वीडियोस अपलोड करता है उनके चैनल पर, अलग टाइप का रोस्ट है वो, आपने देखा है तो आपको पता होगा. तो अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट किया था, नेक्स्ट किस पर रोस्ट किया जाए. आप देख सकते हो ऑप्शन, ट्रिगर्ड इंसान सर, फुकरा इंसान, मैक्सटन, कैरे मिनाटी, फूड व्लॉगर. एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है कैरे मिनाटी का ऑप्शन को चूज किया. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शुभ स्केलेटन का नेक्स्ट वीडियो जो है कैरे
कैरी मिनाटी के ऊपर होगा। ऑल्सो ना उसने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट किया तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए उसके नाम से एंड वो लोग क्या करे कि दूसरों को गालियां भी दे रहे। उसके बारे में बताते हुए सूप स्केलेटन एक स्टोरी पोस्ट किया था जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ऑफकोर्स उसके नाम से अगर आपको कोई गाली वगैरह दे रहे हैं देन फिर ये समझ जाना कि वो जो है फेक अकाउंट है, क्योंकि एक यूट्यूबर जिसका सब्सक्राइबर अच्छा ग्रोथ हो रहा है वो कभी किसी को गाली तो नहीं देता है भाई, जहां तक मुझे लगता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव आज जो व्लॉग अपलोड किया उनके चैनल पर वहां पर वो दिखाया कि पुलिस के साथ जो उनका थोड़ा सा अंधबंद हो गया था, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे। मैं छोटा सा क्लिप आपको उनके व्लॉग का दिखा देता हूं। अगर आपको उनका पूरा व्लॉग देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। बहुत तेज ब्रेक मारे भाई। हमारा एसपी साहब आया हमें बेइज्जती किया, अभी क्या करता है आपको रोड के बीच में क्या करता है? मैं तो अभी आया हूं। क्या करता है आपको रोड के बीच में क्या करता है? मैं तो अभी आया हूं। ये हाईवे है, हाईवे। मैं तो अभी आया हूं। कल परसों में खड़ी शक्ल भाई, मैग्नेटिक हिल से तो निकल चुके हैं यहाँ पे। हमारे पुलिस वालों ने रोक लिया था कि भाई यहाँ पे मत करो, एसपी साहब की गाड़ी जा रही है और तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी। मैं तो अभी आया था, मैंने कौन सी बेइज्जती करवा दी? दूसरे कलर की कोई फॉर्च्यूनर देख ली होगी? मैं कह रहा ना तुम ही थे। मैं कहा ठीक ही कर सके भाई, क्या कर ले आगे वाली फॉर्च्यूनर देख ली होगी 0008। हाँ बेइज्जती होगी तो बेइज्जती होगी भाई। सॉरी पुलिस वाले भैया अंकल, बेइज्जती की है इसमें भाई। मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूँ भाई, सही बताऊँ तो। ये वाला जो सिस्टम रहा है ना कि रोड खाली कर दो, कोई वीआईपी जा रहा क्यों खाली कर दे ना, क्यों भाई? सीधी बात है, क्यों खाली काम तो ना कर रहे खाली। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में मतलब संदीप महेश्वरी के बारे में। तो संदीप महेश्वरी अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम उनके लाइव सेशन में लाए। यस, उसका वो एक वीडियो अपलोड किया, ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लाइव सेशन था। मैं छोटा सा क्लिप दिखाया था, आप पूरा वीडियो भी जाके देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर एक्चुअली आपने एक सेशन में बताया था अपने कि सर आप स्टाइल मारने जाते थे, मतलब कि अपने कोचिंग में। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगा, रुचि मैम से, कि सर सच में आपको वैसे पता था कि स्टाइल मारे जाते हैं या फिर सिर्फ कोचिंग ही मतलब कि आते हैं? नहीं नहीं, स्टाइल मारते थे बाल ऐसे करके और मैं बता दो, एक बार मुझे हुआ था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और आप काफी हंसे थे। हाँ, क्या हुआ था? हाँ, हाँ, स्टाइल मारे थे फुल ऑन, मतलब बहुत तेज ऐसे बैट स्टाइल मारने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए किया था और धड़ाक गिर गए, बहुत हंसी थी। मैम कभी आप सर से गुस्सा होके कभी मायके वायके गए हो? नहीं, गुस्सा तो नहीं, मायके नहीं गई कभी, छोड़ के नहीं गई। ओ भाई क्या करवाना चाहते हो आप? मेरी बीवी सुख शांति से मेरे साथ रह रही है, आप उसको मायके भेजना चाहते हो? क्या क्या आइडियाज प्लांट कर रहे हो आप इनके सबकॉन्शियस में? नहीं नहीं कुछ नहीं, भूल जाना कुछ नहीं। चलिए अगली अपडेट के बारे में मतलब यूट्यूब इंडिया के बारे में। यूट्यूब इंडिया एक ट्वीट किए थे, गेमर्स डोंट डू मुंह दिखाए व्हेन दे गेट मैरिड, दे डू ए फेस रिवील। एंड उसका टोटल गेमिंग रिप्लाई किए थे, आप देख सकते हो। उसके बाद यूट्यूब इंडिया रिप्लाई किए, इट्स कन्फर्म देन, मतलब वो पूछ रहे ये कन्फर्म है ना कि तुम शादी के बाद मुंह दिखाई नहीं करोगे, फेस रिवील करोगे। फिर किसी ने रिप्लाई किया था, बट टोटल गेमिंग ये बंदा तो वो भी नहीं करेगा। तो उसका यूट्यूब इंडिया रिप्लाई किए, मोस्ट एगरली अवेटेड फेस रिवील। यस, ये मोस्ट अवेटेड फेस रिवील ही है, लेट्स सी वो जो अपना फेस रिवील कब करते है भाई, जब करेंगे शायद मतलब बहुत भयंकर हो सकता है। चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी का जो इंडियन तरीके से शादी होने वाला है आपको पता होगा, तो इसका यहाँ पर बॉलीवुड शादी जो एक इंस्टाग्राम पेज है वो एक पोस्ट किए थे, यूट्यूबर ध्रुव राठी इज ऑल सेट टू गेट मैरिड विद हिज वाइफ फॉर द सेकंड टाइम, शेयर्स पिक्चर्स। तो उसका जो यहाँ पर उनकी वाइफ जूली खुद रिप्लाई की है, डिड नॉट नो आवर वेडिंग वाज कंसीडर्ड ए बॉलीवुड शादी। ये तो यूट्यूबर शादी होना चाहिए था, कहां भाई बॉलीवुड शादी, कहां घुस रहे भाई ये बॉलीवुड वाले यार, ये हमारा काम है, हमें छोड़ रहे यार बॉलीवुड वालों तुम। चलिए अगले अपडेट के बारे में मतलब राउंड टू हेल के बारे में। राउंड टू एल एक स्टोरी पोस्ट कहते हैं ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो, दे आर कमिंग बैक। तो उनका न्यू वीडियो जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, जिनको नहीं पता बता दूं, उनका न्यू वीडियो जो है आईपीएल के ऊपर होगा, क्योंकि वो रिसेंटली अपडेट्स वगैरह भी दे रहे थे। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।